टेंथ का मार्कशीट मत देना अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो। क्यों ऐसा क्यों? बहुत सारे लोग यही पूछ रहे हैं कि सर टेंथ का मार्कशीट नहीं देना, हम चाहते हैं कि हम पासपोर्ट बनवा सकते हैं। और कुछ लोग तो भाई कुछ ज्यादा एक्साइटेड है, बोलते हैं भाई हम अपना हाई स्कूल का मार्कशीट लगाएंगे ही लगाएंगे तभी हम अपना पासपोर्ट बनवाएंगे। क्या सही है क्या गलत है? अब पहले हम बात करते हैं कि देखो अगर आप घूमने के पर्पज से जाना चाहते हो गल्फ कंट्री में या किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हो घूमने के पर्पज से, तो आप टेंथ का मार्कशीट ना लगाओ तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं भाई कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा, अगर आप टेंथ का मार्कशीट नहीं लगाते हो तब भी आपका पासपोर्ट बन जाएगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप टेंथ का मार्कशीट ना लगाओ, अगर आपको घूमने के पर्पज से जाना हो, एजुकेशन के पर्पज से जाना हो या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के पर्पज से जाना हो तो भाई आप अपना हाई स्कूल का मार्कशीट ही मत लगाओ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारी अगर मार्कशीट पुरानी होती है, अगर उस पर QR कोड वगैरह नहीं लगा होता है तो हमारा पासपोर्ट वेरिफिकेशन भी सही तरीके से हो जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन भी सही तरीके से हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारा पासपोर्ट की जो हमारा जब हम स्टेटस चेक करते हैं दोनों चीज कंप्लीट करने के बाद, पुलिस वेरिफिकेशन और पासपोर्ट वेरिफिकेशन, तब भी हमारा पासपोर्ट RPO में पेंडिंग दिखाता है, मतलब योर फाइल इज पेंडिंग इन RPO ऑफिस, आपको सिमिलर मैसेज आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज शो करता है। क्यों? क्योंकि आपने जो हाई स्कूल की मार्कशीट दिया था पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान उसको चेक किया जाता है। देखो ये सबका नहीं होता है, कभी कभी अगर उन्हें डाउट लगता है कि हाँ इस फाइल को तो चेक करना है चाहिए, इसके ऊपर में डाउट है, थोड़ा भी सस्पेक्ट उन्हें लगता है उस फाइल के ऊपर, तो वो उस फाइल को पेंडिंग में रख देते हैं और उस सर्टिफिकेट को वेरीफाइड करने के लिए भेज देते हैं बोर्ड के पास, मदरसा बोर्ड आपका हो, UP बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या फिर गुजरात से आपने पढ़ाई की हो, कहीं से भी आपने पढ़ाई की हो, तो आपके सर्टिफिकेट को जो भी होता है उसको बोर्ड के पास भेज दिया जाता है चेक करने के लिए। उसके बाद बोर्ड के पास जैसे जाती है तो भाई बोर्ड के पास बस एक ही काम नहीं होता है, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं जैसे एग्जाम वगैरह शेड्यूल करना और भी बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करना। तो जब वो फ्री होते हैं तब आपकी फाइल को चेक करते हैं, जब फाइल को चेक करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, कभी कभी 6 महीने, कभी कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी 10 दिन में हो जाता है, कभी 15 दिन में, तो कुछ टाइम की लिमिट नहीं होती। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि भाई आप अगर घूमने के पर्पज से जा रहे हो तो आप हाई स्कूल की मार्कशीट मत लगाना। देखो ऐसा नहीं कि सबके साथ होता है कि 2-4 महीने लग जाते हैं, सबका नहीं, किसी किसी का फाइल रुक जाता है सर्टिफिकेट के वजह से, अगर उन्हें डाउट होता है तो उनके पासपोर्ट आने में 2-4 महीने का टाइम लग जाता है, सबका नहीं, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर RPO जाओ और RPO में अपना सर्टिफिकेट ओरिजिनल दिखाओ हाई स्कूल मार्कशीट का, तब वो चेक करके वेरीफाइड करेंगे कि हाँ सब कुछ सही है, तब हो सकता है तत्काल में तुरंत आपका हो जाए। लेकिन जब तक अगर आप नहीं जाते हो RPO और आपकी फाइल जब वहां से जब तक रिपोर्ट नहीं आता है बोर्ड से, तो वहां से जब बोर्ड से रिपोर्ट आएगा कि हाँ भाई सब कुछ सही है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, तब जाकर ही आपका पासपोर्ट को वो लोग आगे भेजेंगे, डिस्पैच होगा। लेकिन अगर आप पहले ही लेके जाके पहुंच जा रहे हो RPO में तब आपका सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप गल्फ कंट्री में जा रहे हो घूमने के पर्पज से या फिर काम करने के पर्पज से या फिर आपको काम ही करना है बस, तो भैया टेंथ की मार्कशीट लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप टेंथ की मार्कशीट लगाते हो तो वहां पर आराम से जॉब कर सकते हो, अच्छी खासी सैलरी भी देंगे लोग। लेकिन क्योंकि अगर आप टेंथ का मार्कशीट लगाएंगे तो ECNR कैटेगरी में पासपोर्ट बन जाएगा, तो आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिल सकती है। और अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लगाते तो उनको लगेगा भैया आप अनएजुकेटेड, नहीं पढ़े लिखे हो, तब वहां पर सैलरी आपकी थोड़ी सी डाउन हो सकती है। तो इसलिए आप टेंथ का मार्कशीट जरूर लगाओ। ऐसा नहीं कि सबके साथ होगा कि भाई उनका चेक करने के लिए बोर्ड के पास चला जाता है, ये कभी कभी कुछ कुछ लोगों का हो जाता है। लेकिन उसका सोल्यूशन मैंने बता दिया कि आप RPO डायरेक्ट जाओ, वहां पर बात करो, ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाओ, तो सब कुछ डन हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो डरो नहीं, बिना टेंथ मार्कशीट के आप अपना जो है भाई पासपोर्ट मत बनाना। देखो आप लोगों ने कई सारा कमेंट किया था इसी से रिलेटेड और मैं सारे कमेंट्स आप लोग का लिखता हूँ। टेंथ मार्कशीट मत देना पासपोर्ट बनवाने के लिए, देना भाई, मैं सारे कमेंट्स आपका लिखता हूँ, फिर चूज करता हूँ कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। और आज की हमारी टॉपिक यही थी कि भाई टेंथ का मार्कशीट मत देना अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो, पासपोर्ट अटक जाएगा, लटक जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है, पासपोर्ट बन जाएगा। टेंथ का मार्कशीट अगर आप नहीं लगाते हो तो ECR कैटेगरी का बनेगा और ECR पासपोर्ट पर आप अभी तो दुबई वगैरह में तो काम करने के लिए जाते हैं लोग, लेकिन सैलरी उस हिसाब से नहीं देते हैं लोग भाई, कुछ कर नहीं सकते हो आप। और घूमने के पर्पज से आराम से आप जा सकते हो, ECR कैटेगरी का पासपोर्ट है तब भी, मतलब अगर आपने हाई स्कूल का मार्कशीट नहीं लगाया तो घूमने के पर्पज से मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह जो भी है सब चीज कर सकते हो आप ECR कैटेगरी के पासपोर्ट पर, मतलब जहां पर आप टेंथ का मार्कशीट नहीं लगाए हो। और अगर टेंथ का मार्कशीट लगा देते हो तो गल्फ कंट्री वगैरह में जाते हो तो सैलरी वगैरह ठीक ठाक देते हैं लोग और अच्छी खासी आप वहां पर जॉब कर सकते हो। तो यही दोनों में डिफरेंट है और मैं यही बोलूंगा कि अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है
तो आप मार्कशीट जरूर लगाओ, बिना मार्कशीट के आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई ना करो। हाँ थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम वेट कर लो, 10 दिन की जगह 15 दिन लगेगा, आप वेट कर लो, बट मार्कशीट जरूर लगाओ। मार्कशीट के बिना पासपोर्ट के लिए अप्लाई ना करो। अगर मार्कशीट नहीं है तो वो अलग बात है, तब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो बिना मार्कशीट के, लेकिन है तो वेट करो। भले ही पुलिस वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, भले एसपी ऑफिस में आपके फाइल रुकते हो, कहीं भी रुकते हो, हर एक प्रॉब्लम को फेस करो। परेशानी से दूर नहीं भागना है, परेशानी से दूर भागोगे तो उस चीज का सोल्यूशन नहीं निकलेगा, इसलिए उसका सोल्यूशन निकालो। हर जगह पर जाओ जहां भी आपकी फाइल रुकी है, और जरूरी कि आपकी फाइल रुके, 100% गारंटी ये होता है भाई, 100% कि 100% लोगों में आप मान सकते हो कि 90% लोगों का सक्सेसफुल हो जाता है, 5-10% लोगों की फाइल रुक जाती है। तो भाई आप मेहनत करो, आप उससे दूर मत भागो, लेकिन 10th का मार्कशीट लगाए बिना पासपोर्ट मत बनवा, अगर है मार्कशीट तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा फिलहाल। ओके, अगर जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी टॉपिक पर मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। इस चैनल पर आपको आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।